Of chair to commence the proceeding. Thank you. A very good morning to Janab Abdul Rashid Malik Sahab, Chairman, District Legal Services Authority, Madam Tabassum Qadir Pare, Sayyid Mujtaba Sahab, Sayyid Ruksana Ji, panelists, paralegal volunteers, senior citizens, Anganwadi workers and other guests present in the hall. As we all know that there is a program on the World Day of Social Justice. In this world, when capitalism is growing and richer is going richer and poorer is becoming poorer day by day, the topic of social justice is most relevant topic to be dealt with. Mohammad Magre Sahab, our Executive Chairman, GNT State Legal Services Authority, and other dignitaries are participating. Dealing with different topics relating to social justice, such as, I welcome all the guests, media persons who are especially here, denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organ, organizing this program that is World Day of Social Justice, Indigenous Peoples and Migrants' Rights. This day, barriers regarding gender, race, inequality, the world, and to look into the solutions and improvements. The reply is that justice is not just judicious justice. What we get here in society with no social barriers in form of gender, religion, suggests employment, social protection, continuous social dialogue, fundamental rights to be the weapons to ensure social justice. Social justice is a political and philosophical concept of justice beyond those embodied in the principle of civil or criminal law, as opposed to the justice of individual conduct, which has increased 10 times even during this pandemic. Meaning, slides, Maoist insurgencies, and the rise of. Very good morning. Adab, Namaskar, Assalamu Alaikum. Mr. Adnan Saab, Secretary, Dalsa. तफसीर के साथ इस दिन की इफादियत को उजागर किया, लेकिन हम जब हम समाजी इंसाफ की बात करते हैं तो हमें अपनी अमली जिंदगी पे नज़र डालकर देखना है कि हमारे आईन में समाजी इंसाफ या सोशल जस्टिस के बारे में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आईन का गोल है, इसका मकसद है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और जब भी कोई आईन बनता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक मुल्क को एक आईनी निज़ाम और सिस्टम देने के लिए, राज करने के लिए, लेकिन हर आईन का एक गोल होता है। क्या होता है अगर हम अपने वजूद पर देखें, हो गया क्योंकि इसमें साइंटिफिक और मेडिकल एडवाइस थी कि जब तक इसकी कर्व नीचे आ जाए वी हैव टू सेव आवर सेल्व्स। माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो अपने घरों से बाहर आए, उनके घर नहीं थे, उनके पास खाना नहीं था, उनके बच्चे उनके कंधों पर, उनका बैगेज, और वो जा रहे थे, रो रहे थे। हाई कोर्ट में आए तो आखिर बिलाकर अदलिया की मुदाखलत की कि उनको खाना दे दो, इनको ट्रांसपोर्ट दे। मजदूर का ख्याल रखना जरूरी है, वही सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये नहीं कि हम हर एक को ये तसव्वुर करें वी आर ऑल इक्वल, नो, हमें उसके सर्कमस्टांसेस और हालात को ज़ेर नज़र रखना। हासिल कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, ट्यूशन है, क्वालिटी एजुकेशन है,
और अगर आप दूसरे इन्वेस्टिगेशन होगी वो में इससे पहले नहीं था, लेकिन ये चीजें आपको लोगों तक पहुंचानी, इनको इन सर्विस सेंटर्स पर लेना है, लेकिन उससे वो एम्पावर नहीं होता है। He requires education, इसको स्कूल में जाना है, तो फ्री एजुकेशन। जिस फैमिली से आइन समझ में आया, इसके बाद जो डिफरेंट स्कीम्स हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे मुल्क में अबाउट जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, कल्चर, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट बेसिकली सोशल वेलबींग। आइन का जो गोल है वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस मकसद को हासिल करने के लिए जो हमारे लीगल सर्विसेज हैं वो काम करें और वो उन लोगों तक पहुँचे जिनको वाकई समाज इंसाफ की ज़रूरत है। गुर्बत, नाखानदगी, इग्नोरेंस ये अभी भी है, लेकिन हमारा आइन बड़ा है, हमारा आइन अजीम है और हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें पूरा यकीन है कि जो समाज इंसाफ है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, हम इस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और इसके लिए हमें जो वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे लोग वो लोग हैं जो अभी भी जो हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो लागू हैं, जो अभी महरूम हैं, वो स्कीम्स उन तक पहुंच जाएं, वो एम्पावर हो जाएं और एक पुरम समाज, एक सेहतमंद समाज और वो समाज बनाने में हम माउन साबित हो जाएं, जहां गुर्बत ना हो, नाखानदगी ना हो, कोई तालीम से महरूम न रहे और हर एक जो है वो उन मुराद और जो वो हक उनके पास पहुँचे जो का वो हकदार हैं आइन के हवाले से, कानून के हवाले से। वहीं यही आज के प्रोग्राम का मकसद है। शुक्रिया। देखिए, आज 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मनाया जाता है सारी दुनिया में। इसी हवाले से हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जे एंड के स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जनाब अली मोहम्मद मागरे साहब, ऑनरेबल जज हाई कोर्ट की हदायत पे हमने ये प्रोग्राम का इनकाद किया है। इस प्रोग्राम में हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आंगनवाड़ी वर्करों को दावत दी थी, सीनियर सिटीज़न इसमें शमूलियत कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस से कर रहे हैं, पैनल लायर और जो हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं वो भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं। समाज में जब बराबरी जब तक नहीं होती है तो कोई भी डेमोक्रेसी जो है या कोई भी वर्ल्ड आर्डर जो है वो मुनासिब नहीं होता है। इसी को हवाले रखते हुए आज हमने जो प्रोग्राम है ये इसका इनकाद किया है। इसमें हमने जो स्पेशल फोकस किया है वो एक्सेस टू सोशल वेलबींग पे, पावर्टी रेडिकेशन पे, प्रमोशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क और जस्टिस फॉर ऑल जो है, ये सब टॉपिक्स हमने इसमें आज कवर किए।